ये हमारी अपनी पार्टी में बहुत सीनियर लेवल पर थी, ये फॉर ज्वाइनस और इसको हम आज शी बिलोंग्स फ्रॉम सोक, इंटेलेक्चुअल लेडी है, पढ़ी लिखी है, तो इसको आज हम ज्वाइन करवा रहे हैं पार्टी में पूरे कश्मीर प्रोविंस का। लीडर है कांग्रेस के, इनको भी हम तहे दिल से वेलकम कर रहे हैं। बेनिफिट मिलेगा, अपने माँ बाप को देखे, अपने परिवार को देखे, तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे आपको आगे बढ़ाए, वही हमारा मिशन भी है। इन सबके साथ में अभी प्रॉपर तरीके से जब हमारा इसके साथ में कमेटी प्रॉपरली बैठेगी तो उसके बाद में हम लोग प्रॉपर हर एक जितने भी पार्टी में आए ज्वाइन कर गए उनको अलग तरीके से हर एक को प्रॉपर पोस्ट दिए जाएंगे और उसके माध्यम से ग्राउंड ज़ीरो पर काम होगा। पार्टी की कमिटमेंट है ग्राउंड ज़ीरो पर आम जनता के साथ, आम जनता की एस्पिरेशंस को लेकर आम युवाओं को, यूथ को, नौजवानों के लिए काम करने की ज़रूरत है और उसके लिए पार्टी की बींग एन अलायंस पार्टनर एट नेशनल लेवल हमारी कमिटमेंट है कि ग्राउंड ज़ीरो पर काम होना चाहिए। बहुत काम हो भी रहा है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा स्कीमें वापस जा रही है। मैं एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर कोई भी स्कीम जो हमारी माँ बहन बेटी के लिए आ रही है या हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए आ रही है, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है लेकिन कोई भी स्कीम अगर आती है, उस स्कीम को अगर वापस कहीं से भी जाता है, जो भी उसमें इन्वॉल्वड ब्यूरोक्रेट हो, उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो स्कीम का पैसा जो है उससे हमारे उस साथी को नुकसान होता है जिस बेचारे के घर में वो स्कीम का पैसा पहुंचना चाहिए। अगर वही स्कीमें हर एक स्टेट में या यूटीज़ में, जितने भी कंट्री में यूटीज़ है वहाँ पर वो स्कीमें प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होती है तो हमारे यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो पर इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कत है, क्यों कोई प्रॉब्लम आती है। अगर हम लोग नए कश्मीर की बात कर रहे हैं तो हमारे को उसमें ये नज़र रखना चाहिए कि जो हमारा यूथ है, नौजवान है, हमारी बहन बेटी है, उसको किस तरीके से हम रोज़गार के माध्यम से या रिहेबिलिटेट करने के माध्यम से उसको किस तरीके से हम आगे ले जाएं, मेन पार्टी का वही मकसद है, मेन पार्टी का वही मिशन है। जिस तरीके से हमारे स्वर्गवासी नेता रामविलास पासवान जी ने दिल्ली से आके, बिहार से आके कश्मीर में रेलवे लगवाया 96 में, जिसके माध्यम से आज भी 75,000 लोगों को रोज़गार मिला है, तो उसी तरीके से अभी हमारे पास वी आर फॉर्चुनेट एनफ कि हमारी पार्टी का जो मंत्री बना है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बना है, फूड प्रोसेसिंग मंत्री जी को हम लोगों ने गुजारिश की है वो यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे उनके बड़े भाई रामविलास पासवान जी ने स्टील प्लांट लगवाया, रेलवे लगवाया, यूरिया डीएपी एमओपी का एफोर करवाया, उसी तरीके से मंत्री जी के माध्यम से कश्मीर में हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लग जाए, जिसके माध्यम से फूड प्रोसेसिंग यूनिट के साथ में कोल्ड स्टोरेज भी लग जाएगा, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ को, बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार मिलेगा। और उसमें हमारी मंत्री जी ने दिल्ली में कमिटमेंट की है कि जब वो अक्टूबर में आएंगे वो तब तक कोई पॉलिसी ऐसी क्रिएट करेंगे जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को, बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार भी मिले। और सबसे बड़ी बात है जो फ्रूट मेरा यहाँ से एप्पल दिल्ली जाता है, मद्रास जाता है, कलकत्ता बॉम्बे जाता है और वहीं से जूस बनता है, वही जूस मेरे पास यहाँ आता है, उसी जूस को मैं पीता हूँ। अगर वही जूस मेरा यहीं पर उस फ्रूट का निकलेगा, न कोई वेस्टेज हो जाएगी, न कोई नुकसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो जूस भी यही बनेगा, डब्बा भी यही बनेगा, फ्रूट भी मेरा यहीं यूज़ होगा। जब मेरे पास रॉ मटेरियल है तो यहाँ पर इंडस्ट्री लगना बहुत ज़रूरी है, उन सब इंडस्ट्रीज़ पर काम करने की ज़रूरत है जिसका रॉ मटेरियल अवेलेबल है। तो मेरे पास फ्रूट इंडस्ट्री का सब रॉ मटेरियल अवेलेबल है, हमारे पास फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है, उसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लग जाए, जिसके माध्यम से हमारे बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार मिले।